नमस्ते छात्र, आपको व्याकरण में शुद्ध कीजिए पढ़ना है। वाच्य बदलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शब्द युग, ये सब अच्छी तरह पढ़ना है। कुछ समय पहले ये शुद्ध कीजिए के बारे में पढ़े थे। वाच्य बदलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शब्द युग, ये सब विषय के बारे में पढ़े थे। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस विषय को और एक बार पढ़ेंगे। इस विषय को मैं और एक बार पुनर्वीकरण करते हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मनुष्य अपने विचार को भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। कुछ समय अपने विचार को अनेक शब्दों के लिए बताने के बदले एक छोटे शब्द के द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। ऐसे कुछ शब्द है इसे अनेक शब्दों के लिए मिलकर वाक्य के रूप में बताने के बदले छोटे से शब्दों के द्वारा हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। ऐसे क्या क्या शब्द है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो ईश्वर को मानता हो। भगवान ही सब कुछ है। भगवान को जो मानता हो उनको हम आस्तिक ऐसा कहते हैं। भगवान को मानने वालों को, ईश्वर को मानने वालों को हम आस्तिक ऐसा कहते हैं। जो ईश्वर को ना मानते हो, कुछ लोग हैं ईश्वर ही नहीं भगवान ही नहीं ऐसा कहते हैं, उस लोगों को हम नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को मानता हो उनको हम क्या कहते हैं, आस्तिक ऐसा कहते हैं। जो ईश्वर को ना मानता हो उनको हम नास्तिक ऐसा कहते हैं। और एक बार बताती हूँ, जो ईश्वर को मानता हो, भगवान ही सब कुछ है, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं ना, उनको हम आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को ना मानता हो, भगवान ही नहीं है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, उनको हम नास्तिक कहते हैं। जो कम खर्च करता हो, कुछ लोग उसके पास ज्यादा पैसा होते हैं फिर भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं, वैसे ही ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, कम खर्च करते हैं, उनको हम मितव्ययी ऐसा कहते हैं। जो व्याकरण के नियम जानता हो, भाषा के लिए व्याकरण बहुत आवश्यक है। हम शुद्ध रूप में बोलने के लिए लिखने के लिए व्याकरण बहुत आवश्यक है। शुद्ध रूप से हम बोलने लिखने के लिए व्याकरण ही बहुत जरूरी है। जो व्याकरण के नियम जानता हो, व्याकरण के नियम जिस लोग को अच्छी तरह मालूम है, जिन लोगों को व्याकरण के नियम अच्छी तरह मालूम है उन लोगों को व्याकरण ऐसा कहते हैं। जो दूर की बातें सोचता हो, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ लोग सही रूप में बता सके, सही रूप में सोचते हैं, उन लोगों को दूरदर्शी ऐसा कहते हैं। जो दूर की बातें सोचते हो, दूर कहते इधर भविष्य की बातें, जो अच्छी तरह मालूम है, जिसको अच्छी तरह मालूम है, जो अच्छी तरह सोचता है, ठीक रूप में सोचता है, सही रूप में सोचता है, जिसको भविष्य की बातें सोचता हो उनको हम दूरदर्शी कहते हैं। जिसकी कोई अंग ना हो उनको हम अनंग ऐसा कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उनको हम सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं। कुछ लोग इसको सब इसे अच्छी तरह मालूम है, इस तरह जिस लोग जिन लोगों को सब विषय अच्छी तरह मालूम है उन लोगों को हम
सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं। जितना हो सके यथा संभव, कुछ समय ऐसा ये शब्द को हम प्रयोग करेंगे, जितना हो सके तुम उतना करो, इस तरह जितना हो सके इतना बड़े वाक्य के रूप में, नहीं तो अनेक शब्द को प्रयोग करके बताने के बदले हम छोटे शब्द के रूप में हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। इसे ऐसा भी कह सके यथा संभव, यथा संभव तुम काम कर सके, यथा संभव तुम क्या कर सके, काम कर सके, पढ़ सके, ऐसा करते हैं ना, तब ये शब्द को हम प्रयोग करते हैं यथा संभव। जितना हो सके इतना इतना कर सके तुम बता सके उत्तर, लेकिन जितना हो सके ऐसा करने के बदले हम इन शब्दों को प्रयोग करते हैं यथा संभव। जो इत चाहता हो इतैषी, कुछ लोग है हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहेंगे, सब अच्छी तरह रहना है, सब लोगों की भलाई के बारे में सोचते रहेंगे, इत कहते भलाई, इसके बारे में सोचते रहते हैं ना, इस तरह सब लोगों के दूसरों के भलाई के बारे में सोचने वालों को हम इतैषी ऐसा कहते हैं। जो इत चाहता हो इतैषी, जिसे लड़ने की आदत हो, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं हमेशा दूसरों से लड़ते ही रहेंगे, छोटे छोटे विषय के लिए लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, उन लोगों को हम लड़ाकू ऐसा कहते हैं। जो किसी का उपकार ना माने उनको हम कृतज्ञ ऐसा कहते हैं। जो दूसरों का उपकार मानते हैं उनको हम कृतज्ञ ऐसा कहते हैं। जो मार्ग दिखाता हो मार्गदर्शक, हम दूसरे जगह जाते समय, शहर जाते समय, नगर जाते समय, दूसरा स्थान जाते समय कुछ लोग हमको मार्ग दिखाते हैं, इस तरह जाना है, इस तरह जाते तो आपको आसान होगा, ऐसा बताएंगे कुछ लोग, इस तरह हमको मार्ग दिखाते हैं। जो लोग मार्ग दिखाता है उनको हम मार्गदर्शक ऐसा कहते हैं। जो आकाश में चलता हो उनको हम उसको हम नपचर ऐसा कहते हैं। जो लिखना पढ़ना ना जानता हो उनको हम निरक्षर ऐसा कहते हैं। कुछ लोग है ये पढ़ना लिखना मालूम नहीं है, ना जानते हैं, अपना नाम लिखना भी मालूम नहीं है, इस तरह जिस लोगों को पढ़ना लिखना मालूम नहीं है, जो लोग लिखना पढ़ना ना जानता हो उनको हम निरक्षर ऐसा कहते हैं। जिसने शिक्षा पाई हो शिक्षित, इसके उल्टे में कुछ लोग अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना अच्छी तरह मालूम है, इसको हम शिक्षित ऐसा कहते हैं। जो केवल शाकाहार करता हो शाकाहारी, शाकाहार कहते हैं तरकारी फल, ये सब कुछ लोग खाएंगे। जो लोग शाकाहार करता हो तरकारी फल यही खाते हैं, उन लोगों को हम शाकाहारी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उनको हम अजात शत्रु ऐसा कहते हैं। जो महीने में एक बार होता है मासिक, महीने में एक ही बार होता है ना, उनको हम क्या कहते हैं मासिक। जिसे मांस खाने की आदत हो, मांस कुछ लोग खाते हैं, जिसे मांस खाने की आदत हो, मांस खाने की इच्छा हो, मांस खाने की आदत हो, उनको हम मांसाहारी ऐसा कहते हैं। इस तरह
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेक शब्द को मिलकर हम अपने विचार को बताने के बदले एक ही शब्द में हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। ये परीक्षा में दो प्रकार से प्रश्न पूछ सके, इस तरह पूछेंगे जो ईश्वर को मानता हो ऐसा पूछेंगे, तुम क्या लिखना है आस्तिक ऐसा लिखना है, ऐसा भी पूछेंगे, इस तरह भी पूछेंगे, सगी जोड़ मिलाइए, इस तरह ये सब देंगे, इधर है ना ये भी देंगे, तुम क्या करना है सगी जोड़ क्या करना मिलाना है, इसका सगी उत्तर क्या है, इसे तुम अच्छी तरह पढ़ना है तभी तुम सगी शब्द को क्या कर सके जोड़ सके। उदाहरण में बताती हूँ, जिसे लड़ने की आदत हो लड़ाकू, जिसे लड़ने की आदत हो ये इधर देंगे, उसको ये लड़ाकू इसके सीधे उत्तर में नहीं देंगे, कुछ समय ऊपर देंगे नीचे देंगे ऐसे देंगे, तुम ही इसका उत्तर क्या है तुम पढ़कर रखना है तभी तुम सगी जोड़ मिला सके। ये साधारणतः सगी जोड़ मिला ही पूछेंगे, ऐसा पूछे तो तुम अच्छी तरह लिखना है, तुम अच्छी तरह लिखे तो तुमको पूरा अंक मिलेगा, लेकिन तुम एक गलत लिखे तो दो प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। इसे मैं उदाहरण बताती हूँ, जिसे लड़ने की आदत हो लड़ाकू ये उत्तर है, जो मार्ग दिखाता हो मार्गदर्शक, तुम गलत में जो मार्ग दिखाता हो इसके लिए उत्तर गलत लिखे तो इसका जिसे लड़ने की आदत हो इसका उत्तर भी क्या कुछ समय गलत हो जाएगा, तुम क्योंकि इसका उत्तर इधर लिखोगे इसका उत्तर इधर लिखोगे, इसलिए सही जो मिला ये लिखते समय जरा सावधान से लिखना है, अच्छी तरह पढ़ो इसका उत्तर क्या है इसे अच्छी तरह जानकर इसके बाद ही सीधा उत्तर लिखना है। कुछ लोग ये गिनती डालेंगे एक दो ऐसा डालेंगे, ऐसा नहीं लिखना है, सीधा लिखो जिसे लड़ने की आदत हो इसका उत्तर किधर है देखो, इसका उत्तर को इसके सामने क्या करना है लड़ाकू ऐसा लिखना है, जो मार्ग दिखाता हो मार्गदर्शक ऐसा लिखना है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अच्छी तरह पढ़ो, जरूर परीक्षा में पूछेंगे, ये परीक्षा में पूछे तो अच्छी तरह लिखना है। अब मैं ग्रह कार्य देती हूँ, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, कुल 20 है, ये 20 शब्दों को अच्छी तरह पढ़ो और एक बार लिखो। इधर ये लिखते समय ये स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, हितेशी यथासंभव दूरदर्शी इस सब है ना शब्द, इस सभी शब्दों को अच्छी तरह लिखकर अभ्यास करो तभी तुम अच्छी तरह लिख सकते। अब मैं ग्रह कार्य और एक बार बताती हूँ, ये अनेक शब्दों के एक शब्द है ना, इसे अच्छी तरह एक बार लिखो। धन्यवाद।